सो फाइनली गाइज ब्रूटो टू ब्लू वोल्टेक्स चैप्टर 12 फुल स्पॉइलर इज हेयर। और गाइज इस बार भी चैप्टर हर एक चैप्टर की तरह फायर है। मैं जितना हो सके यार इस वाली वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि यार मुझे एडिट करना पसंद नहीं है, एडिट करने में मुझे बहुत ज्यादा। तो गाइज अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो इस बार के चैप्टर के कवर पेज पे है सुमेरे और मुझे नहीं पता ये क्यों है। और गाइज इसके अलावा सुमेरे का इस चैप्टर में कहीं पर भी मेंशन नहीं है पर फिर भी यार कवर पेज पे है, क्यों? इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट चैप्टर 11 खत्म हुआ था। बरूटो ने दोनों गर्ल हिमावारी और शारदा को बचाया था, अब वो फाइट करने वाला था हिदारी के साथ। चैप्टर की शुरुआत में ही बरूटो कोनोहमरू को बोलता है कि हिमावारी का ध्यान रखना और दूसरी तरफ हिदारी बिना किसी टाइम वेस्ट किए बरूटो के ऊपर अटैक कर देता है और हमें वो वाला पैनल देखने के लिए मिलता है जो कि पहले स्नीक पीक में रिलीज हुआ था। बरूटो अपनी स्वॉर्ड से हिदारी के अटैक को ब्लॉक करता है और दूसरी तरफ से अपनी हैंड साइन का यूज करता है। और गाइस इसने मुझे एक क्या बोलते हैं यार सास्के का एक सीन था उसकी याद दिला दी थी। और यहाँ पे ब्रूटो यूज करता है अपने विंड स्टाइल जुत्सु का और हिदारी को दूर फेंक देता है पर हिदारी अपने क्लोज के अंदर जाके फिर से छुप जाता है। जैसे ही हिदारी अपने क्लो मार्क्स के अंदर चला जाता है उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं बैड बॉय कवाकी एंड डेल्टा। कवाकी तो मुझे लगता है भाई इस वाले चैप्टर में भी मार खाने वाला है, भाई हर चैप्टर में मार ही पड़ती है, पता नहीं क्या हो गया है। कवाकी और डेल्टा वहीं पे पहुंच चुके हैं जहां पर प्रीवियसली टीम 10 और हिदारी के बीच में फाइट, हिदारी या फिर जुरा, हाँ गाइस जुरा के बीच में फाइट हुई थी। और हमें ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि टीम 10 वहां से भागने में कामयाब रही और अब कवाकी को पता है कि बरूटो के पास फ्लाइंग राइजिन है। अब तो भाई बरूटो ना कवाकी को उड़ उड़ के मारेगा। कवाकी और डेल्टा के सामने जुरा भाई आराम से खड़ा है और कवाकी भी सोच रहा है कि जुरा का प्लान क्या है। पर गाइस रुक जाओ, हमें जल्दी पता लगने वाला है कि ये जुरा क्या सोच रहा है। इसके बाद हमें कोनोहमरू और बरूटो दिखाए जाते हैं जिनके बीच में यार काफी ज्यादा बातें होती हैं जो कि हम स्किप कर देंगे, जब ऑफिशियल चैप्टर आ जाएगा उसमें पढ़ लेना तुम, ठीक है? No. ब्रूटो और कोनोहमरू की चिटचैट के बाद ब्रूटो इस सेंसरी निंजा को बोलता है कि जितने भी क्लो मार्क्स हैं उन्हें ट्रैक करो और जो हिदारी की लोकेशन है उसे पता करो। और गाइस तुम्हें अगर पता नहीं है कि ये वाला सेंसरी निंजा कौन है तो गाइस ये वही है जिसकी वजह से कवाकी भागा था। तो गाइस इसके लिए कमेंट में F लिख देना, ठीक है? F S ऐसे होता है, कैसे होता है F यार? Stop it. Get some help. So, इसके बाद हमें कोनोहमरू और शारदा दिखाए जाते हैं जो कि ये सिंजू वाली मिस्ट्री है उसके पीसीस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये भी कन्फर्म करते हैं कि जितने भी लोग सिंजू ट्री में कैद हैं वो सारे के सारे सिंजू से रिलेटेड हैं। और कोनोहमरू और शारदा की ये जितनी भी थ्योरीज थी इन्हें बरूटो कंफर्म कर देता है उनके लिए। और तभी इस सेंसरी निंजा को हर एक क्लो मार्क से सिग्नल मिलने लग पड़ता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हर एक क्लो मार्क से ये अजीब से दिखने वाले एलियन बाहर निकलने लग पड़े हैं। पर गाइज इट डजंट मैटर क्योंकि हर बार की तरह बरूटो भाई यहाँ पे है और गाइज बरूटो अप डाउन होके इन सारे के सारे को मारने लग पड़ता है। ब्रूटो को भाई ये वाला पोज काफी ज्यादा पसंद आ चुका है जिसमें भाई वो हवा में उल्टा हो जाता है, भाई एक दो चैप्टर में तो ये कर ही चुका है। Yes. और तभी हमें शारदा दिखाई जाती है जिसके ऊपर एक क्लो ग्राइम अटैक कर देता है पर गाइस वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है पर तभी उसी क्लो से जो हिदारी है वो निकल के शारदा को किडनैप करने की कोशिश करता है। पर गाइस मुझे लगता है कि हिदारी भूल चुका है कि शारदा हमारे ब्रूटो की गर्ल है, शायद से अगर मांगा करने चाहा तो ऐसा ही होगा। पर बरूटो अपनी गर्ल को सेव करने के लिए फ्लाइंग राइजन का यूज करता है और सीधे ही हिदारी के ऊपर टेलीपोर्ट करके उसे रसिंगन मारता है जैसे कि मिनाटो ने ओबितो को मारा था भाई। पर तभी हमें दोबारा से बताया जाता है कि हिदारी अपने क्लोज में चला गया था पर गाइस इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो जाता कहाँ पे है। तो हिदारी उसी जगह पे है जहाँ पे ये मीटिंग करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये जो जाइंट चक्र ट्री है वो इन्हें हील करता है। तो गाइस ये हर बार जब डैमेज देते हैं तो ये टेलीपोर्ट करके यहाँ आते हैं और दोबारा से हील होके फिर फाइट में चले जाते हैं और हिदारी बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से हील करके दोबारा से ब्रूटो और शारदा के ऊपर अटैक कर देता है। इस बार वो इनके नीचे जो क्लो मार्क्स हैं उनकी भाई लाइनें बिछा देता है। पर इस बार ब्रूटो और शारदा ने एक प्लान बनाया है। ब्रूटो का प्लान है कि वो अपने रसिंगन उज़िहोको का यूज करके पूरी तरह से हिदारी को डिस्ट्रॉय कर देगा और तभी हमें दिखाया जाता है कि रसिंगन उज़िहोको का यूज करने के लिए ब्रूटो जो प्लैनेट की चक्र है उसे अपने फीट के थ्रू एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। पर हिदारी भी ऐसे ही बैठने वालों में से नहीं था, वो अचानक से अपनी चिदोरी का यूज करता है पर कोनोहमरू अपनी विंडशील्ड से उसे रोक लेता है। चलो भाई कोनोहमरू ने कुछ तो किया। पर तभी हमें हिदारी दिखाया जाता है जिसने शारदा को पकड़ लिया है पर गाइस शारदा भी ऐसे बैठने वालों में से नहीं है, वो अपनी चिदोरी स्ट्रीम का यूज करती है और इसके बाद वो अपनी शारदा वाली जो शारदा नहीं
साकुरा वाली पावर है उसका यूज करके हिदारी को क्रोमा के अंदर से बाहर खींच के सीधे ब्रूटो की ओर फेंक देती है। और तभी ब्रूटो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे अपने रसिंगन उजिहोको का यूज करता है। और गाइज मेरे हिसाब से तो भाई ये बेस्ट रसिंगन होने वाला है। ये गाइज इसका जो स्केल है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और गाइज ये ऑलमोस्ट हिदारी को खत्म भी कर देता है। उसकी जो हाफ बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, पर अभी भी जो हिदारी का आधा शरीर है वो अभी भी जिंदा है। पर गाइस तभी वहां पे आ जाता है कवाकी द किल्स, क्या बोलते हैं, किलचोर। भाई किलचोर आ चुका है और गाइस जो हिदारी की ऊपर वाली बॉडी है वो उसे भी वेपराइज कर देता है। तो गाइस ब्रूटो की किल चोर ली है इसने। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि हिदारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हमें एक छोटा सा सीट दिखाया जाता है जिसके अंदर रिनेगन है। पर तभी काशिन कोजी ब्रूटो को बताता है कि ये छोटी सी चीज एक थ्रोन सोल है। तो गाइस मुझे नहीं पता ये थ्रोन सोल क्या होती है, पर इतना मुझे पता है कि इसकी मदद से हिदारी वापस रीजनरेट या फिर रीजनरेट करने वाला है, मतलब एक दोबारा से बन जाएगा। सीड है तो बन ही जाएगा, पेड़ बन जाएगा जैसे सास्के बना था। और तभी ब्रूटो और कवाकी की थोड़ी सी चीट चैट चली हुई होती है। पर गाइस तभी अचानक से भाई ब्रूटो को कोई स्नाइप कर देता है और ब्रूटो स्नाइप होते ही सीधे जमीन के ऊपर गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जूरा, जो कि यार विले से काफी ज्यादा दूर खड़ा है। और हमें बताया जाता है कि उसने अपने बीजू बॉम्ब को कंडेंस करके भाई स्नाइपर बनाई है और सीधे भाई ब्रूटो की छाती में और तभी सार्था अपना हाथ ब्रूटो की ओर बढ़ाती है उसकी मदद करने के लिए। पर तभी भाई एक और स्नाइपर आती है और सार्था के हाथ को आर पार करके चली जाती है। तो गाइज अब तो भाई ये स्नाइप कर रहा है। और गाइज मुझे यार ट्रंप की जो न्यू वाला इंसिडेंट था उसकी याद आ गई, जूरा को भेजना चाहिए था वहां पे। सो गाइज मैं थोड़ा सा गलत हो गया, सार्था जो थी वो ब्रूटो की ओर हाथ नहीं बढ़ा रही थी, वो जो थ्रोन सीड था उसे पकड़ने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये थ्रोन सीड अब इम्पोर्टेंट है अगर सास्के को बचाना है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सीड जो सीधे उड़ के जूरा की ओर चले जाता है। और इस चैप्टर के लास्ट पेज में जूरा रिवील करता है कि वो जो है कवाकी की बॉडी को यूज करने वाला है, ना कि ब्रूटो की, क्योंकि भाई ब्रूटो अब इनके लिए काफी ज्यादा डेंजर बन चुका है। तो इनका पहला प्लान है कि वो ब्रूटो को सीधे खत्म ही कर देंगे और कवाकी की बॉडी को यूज करेंगे एज अ सैक्रिफाइसल। और गाइस चैप्टर 12 यहीं पे हो जाता है खत्म। और गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस इसके अलावा मैंने ब्लैक क्लोवर के ऊपर एक वीडियो बना के डाली थी, उसे भी चेकआउट कर लेना। और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा अगर मेरा दिल करता रहा तो। और गाइस बैकग्राउंड साउंड आई होगी पूरी वीडियो में तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। बाहर भाई पंछी चहचहा रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। और भाई ये फिल्टर क्यों लगा है मेरे चेहरे पे, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, वाइट वाला फिल्टर लगा है, इतना वाइट नहीं हूँ मैं, आई एम ब्लैक।